बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आओ कुरान और नमाज सीखें आसान तरीके से चंद मिनटों की सीरीज में। आज हम शुरू करते हैं अपनी दूसरी क्लास जो है 2A, जिसमें हम पढ़ेंगे बिस्मिल्लाह। इससे पिछली क्लास में हमने सीखा था औजु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम का तर्जुमा, मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की शैतान से जो मर्दूद है। औजु बिल्लाह पढ़िए और अल्लाह की पनाह में आ जाइए। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान रहम करने वाला है। बिस्मिल्लाह नाम से, अल्लाह के यानी अल्लाह के नाम से, और हम कहीं कहीं देखते हैं इसका तर्जुमा इस तरह होता है शुरू अल्लाह के नाम से, तो वो बात भी ठीक है और ये भी ठीक है कि नाम अल्लाह के नाम से कोई भी चीज़ शुरू की जाएगी, तो वो कोई भी चीज़ हो जो अच्छा काम हो वो अल्लाह के नाम से ही शुरू किया जाएगा। अर रहमान, जो बहुत मेहरबान, रहमान, गज़बान, ये फ़लान के वज़न पर आते हैं जिसमें पुरजोश पाया जाता है, यानी रहमान का अगर हम तर्जुमा करें पुरजोश रहम करने वाला, यानी बहुत ज़्यादा रहम करने वाला। इसी तरह से रहीम, रहीम का तर्जुमा होता है रहम करने वाला। रहीम आता है जमील के वज़न पर, यानी जमील, जमील के मीनिंग होते हैं खूबसूरत, यानी जो कल खूबसूरत था वो आज भी खूबसूरत है, उसको हम जमील कहेंगे। इसी तरह अल्लाह ताला रहीम है यानी मुसलसल रहम करने वाला। तो अल्लाह के नाम से शुरू कीजिए कुरान मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के, अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान रहम करने वाला है। हम अपना हर काम बिस्मिल्लाह से शुरू करें, रहमान को खुश करने वाला हो। कोई भी काम ऐसा ना करें जो रहमान को नापसंद हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जज़ाकुमुल्लाह खैर।